हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ मैन सोल्ड अ चेयर एंड अ टेबल टुगेदर फॉर रुपीज 1520, देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन चेयर एंड 10% ऑन टेबल। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि एक पर्सन है, वो एक टेबल और चेयर दोनों को बेचता है 1520 रुपये में, और उसमें क्या होता है, उसको चेयर में 25% का प्रॉफिट होता है और टेबल में 10% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। और हमें करना क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच, टेबल एंड चेयर का कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो हम लोग एज्यूम करते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर बी रुपीज़ एक्स और कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल बी रुपीज़ वाई। मान लेते हैं कि एक चेयर का कॉस्ट प्राइस है एक्स रुपीज़ और एक टेबल का प्राइस है वाई रुपीज़, ठीक है। तो अब होगा क्या, ये जो 1520 रुपये है ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है, दोनों का, चेयर का और टेबल का, दोनों का मिला के सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस हम लोग जनरली फाइंड कैसे करते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी प्लस गेन, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर क्या हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर को हमने एज्यूम किया है एक्स प्लस गेन। तो चेयर पे कितने का गेन हो रहा है, 25% ऑन चेयर, तो गेन की कैसे निकालते हैं, 25% ऑफ एक्स। तो ये जो पूरा आया ये मिल गया हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ, ये सॉरी सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर। फिर हम कैलकुलेट करते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल, तो सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल कैसे कैलकुलेट करेंगे, वाई प्लस टेबल पे कितने का गेन हो रहा है, 10% का, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10% ऑफ वाई, और सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल दोनों मिला के कितना है, 1520 रुपये। तो हम डायरेक्ट इसको अब यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक्स प्लस 25% ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 10% ऑफ वाई इक्वल टू 1520। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा। तो हम इसको रफ में कैलकुलेट करके, यहाँ हमारे पास बोर्ड पे जगह कम है तो हम इसको रफ में कैलकुलेट करके डायरेक्ट इसको यहाँ पे इसका वैल्यू लिख दे रहे हैं। तो ये आ जाएगा x प्लस 25/100 x प्लस y प्लस 10/100 y। तो ये कट गया, चार बार में ये कट गया, तो ये हो गया 5x/4 प्लस 11y/10। फिर इसका हम एलसीएम ले लेंगे, इक्वल टू 1520, तो एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ गया है 20, तो 4 5 जा 5 5 जा 25x प्लस 10 2 जा, तो ये हो गया 22y इक्वल टू 1520। 20 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25x प्लस 22y, और ये 20 उधर चला गया तो 152 का डबल हो गया 304 और 20 आ गया 30,400, ठीक है। तो हम इस पूरे के बदले यहाँ पे लिख ले रहे हैं 25x प्लस 22y इक्वल टू 304,00, ठीक है। और हम इसको इरेज कर देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। फिर हम दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, बाय सेलिंग देम टुगेदर फॉर ₹1535। ये हो गया केस वन कि चेयर पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है और टेबल पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तब दोनों मिला के सामान कितने में बिकता है, 1520 रुपए में। दिया हुआ है बाई सेलिंग देम टुगेदर फॉर ₹1535। अगर वो दोनों को 1520 के बजाय अगर 1535 में बेचता तब क्या होता, ही वुड हैव मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन चेयर। पहले था 25% ऑन चेयर, अब हो गया 10% ऑन चेयर एंड 25% ऑन टेबल। मतलब क्या हुआ, अगर दोनों को 1535 रुपये में बेचा जाता तब उसको चेयर पे 10% का प्रॉफिट होता और टेबल पे 25% का प्रॉफिट होता। मतलब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, चेयर सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स, इस बार चेयर पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, प्लस टेबल जो है उस पर 25% का। तो टेबल का सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे वाई प्लस 25% ऑफ वाई, ठीक है। ये चेंज हो गया, पहले चेयर पे 25% था, अब चेयर पे 10%, टेबल पे 10% था और अब टेबल पे 25% हो गया। तो इस बार कितना आ रहा है, 1535, ठीक है।
तो इसको भी हम रफ में कैलकुलेट करके डायरेक्ट यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 10/100 x प्लस y प्लस 25/100 y। ये कट गया यहाँ पे चार बार में, ये कट गया तो ये सेम वही हो जाएगा 11x/10 प्लस 5y/4 इक्वल टू 1535। तो एलसीएम इसका भी लेंगे तो ये आ जाएगा 22x प्लस 25y इक्वल टू, जो एलसीएम 20 आया वो 20 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30700 30700। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं 22x प्लस 25y इक्वल टू 30700। ये हो गया इक्वेशन वन और ये हो गया इक्वेशन टू। अब दोनों इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं हम लोग वैसे सॉल्व करेंगे। अब ये क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन जब यहाँ यहाँ दोनों जगह नंबर सेम रहता है और इन दोनों जगह पे नंबर सेम रहता है तो इसको सॉल्व करने का एक यूनिक तरीका है, हम उस मेथड को फॉलो करेंगे। तो एक बार हम दोनों इक्वेशन को जोड़ लेंगे, एडिंग वन एंड टू, तो ये बन जाएगा 25 और 22, 47x 22 और 25 47y, और इधर दोनों जोड़ेंगे 30 60000 और 400 700 1100, तो 61100 ये आ गया हमारे पास इक्वेशन, नहीं इक्वेशन ठीक है। अब इसमें से 47 कॉमन आ जाएगा, 47 कॉमन आ गया तो ये बच गया x प्लस y इक्वल टू 61100, 47 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x प्लस y इक्वल टू, इसको हम डिवाइड करते हैं 47 से क्या आएगा, 47 इंटू 47 से 10 13, 47 इंटू 13 7 3 21 2 3 4 जा 11, ये कट गया 1312 इक्वल टू 1300। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर तीन। ठीक है, तो एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड किए तो वहां से एक नया इक्वेशन मिल गया। अब एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां से भी एक इक्वेशन आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम वन या वन फ्रॉम टू, किसी में से भी किसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 22 3x और 22y माइनस 25y -3y इक्वल टू 30400 में से 30700 को माइनस करेंगे तो ये आ गया -300, 3 कॉमन आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू -300, तो x माइनस वाई 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा -100 और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो अब इक्वेशन 3 को और 4 को मिला के सॉल्व करेंगे तो वहाँ से x और y का वैल्यू आराम से मिल जाएगा। तो 3 और 4 में दिख रहा है, एक में प्लस y है और एक जगह माइनस y है, तो दोनों इक्वेशन को फिर से ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो जब ऐड करेंगे तो y y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x ये बन जाएगा 2x और इक्वल टू के उस साइड में 1300 प्लस माइनस 100 करेंगे तो ये बन जाएगा 1200, तो x इक्वल टू आ गया 600 और x और y को मिला के 1300 होता है, x का वैल्यू 600 है तो y का वैल्यू हो जाएगा 700। तो हमें ये मिल गया चेयर और टेबल का कॉस्ट प्राइस, x हमने अज्यूम किया था चेयर को, तो चेयर का कॉस्ट प्राइस आ गया सी पी ऑफ चेयर इक्वल टू ₹600 और सी पी ऑफ टेबल इक्वल टू ₹700। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो आप मेरे से नीचे कमेंट में अपना डाउट पूछिए। ठीक है।